ओरिगामी एक ऐसी जैपनीज आर्ट है जिसमें हम सिंगल पेपर को फोल्ड करके उसको अलग-अलग चीज़ों में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ओरिगामी के नाम पे बचपन में मैंने पेपर प्लेन, दूसरा बोट और कुछ ओरिगामी आइटम्स बनाए थे, तो इस वीडियो में ओरिगामी सीखने का प्लान किया। तो मैंने गूगल पे गया और थोड़ा बहुत सर्च किया और अपने लिए 10 ओरिगामी लिस्ट तैयार की। मैंने डिफ़िकल्टी के हिसाब से ओरिगामी को 5 लेवल में डिवाइड किया, जो कि बिल्कुल बिगिनर लेवल से एडवांस लेवल की थी। तो यहाँ पर मेरा प्लान रेडी हो गया। ओरिगामी सीखने से पहले ओरिगामी डायग्राम के बारे में जानना जरूरी है। ओरिगामी डायग्राम बेसिकली एक पिक्टोरियल गाइड होती है जिसमें लाइन एंड सिंबल की मदद से ओरिगामी कंप्लीट कर सकते हैं, तो जिसमें मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो इंटरनेट की मदद से मैंने ओरिगामी के बेसिक्स के बारे में जाना, जिसमें ओरिगामी लाइंस एंड सिंबल्स, फोल्ड एंड बेस के बारे में सीखा। ओरिगामी बनाने के लिए मैंने कलरफुल पेपर कलेक्ट किए थे और यहाँ से मैंने ओरिगामी बनाने का स्टार्ट कर दिया। लिस्ट का पहला आइटम था क्रेन, जो कि जैपनीज क्लासिकल ओरिगामी में फेमस था। तो यहाँ पर मेरा क्रेन कंप्लीट हो गया। क्रेन को कंप्लीट करने के लिए मुझे अराउंड 10 मिनट लगे। लिस्ट का सेकंड आइटम था पॉट, जो कि मनी हाइस्ट सीरीज में प्रोफेसर बनाया करता था, जो काफ़ी ज़्यादा मुझे इंस्पायर किया ओरिगामी में आइटम में इंक्लूड करने के लिए। लिस्ट का तीसरा आइटम था पेपर बॉक्स। पेपर बॉक्स मुझे काफ़ी सिंपल और यूज़फुल लगा, क्योंकि कोई भी थिंग्स के लिए उसकी साइज़ का बॉक्स बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने पेपर बॉक्स कंप्लीट कर दिया और मैंने एक्स्ट्रा एक अलग से बॉक्स बना के रखा था, जो एक दूसरे में फिट हो रहा था। लिस्ट का चौथा आइटम था फ्लेक्साकोन, जो कि मूवी ओरिगामी में इंक्लूड होता था और इसके इन्फिनिट्स मूव थे। तो यहाँ पर मैंने फ्लेक्सागोन कंप्लीट कर दिया और मैंने एक अलग से फ्लेक्सागोन बना के रखा था, जो 3 अलग अलग कलरफुल पेपर कनेक्ट करके मैंने बनाया था। तो लिस्ट का 4 आइटम कंप्लीट होने के बाद मैंने इस दिन के लिए ब्रेक लिया। नेक्स्ट डे मैंने मॉर्निंग से ओरिगामी बनाने का स्टार्ट कर दिया। लिस्ट का 5th आइटम था डॉग। जैसे लेवल इंक्रीज हो रहे थे, वैसे ही फॉल्स भी इंक्रीज हो रहे थे। मतलब फर्स्ट लेवल में 10 फॉल्स में ओरिगामी को कंप्लीट करता था, वैसे यहाँ पर 3rd लेवल में मुझे कंप्लीट करने के लिए 40 से 64 लग रहे थे। तो यहाँ पर मैंने एटलीस्ट 30 मिनट्स के बाद 2 ओरिगामी को कंप्लीट कर लिया। लिस्ट का 6th आइटम फ्लेमिंगो। यहाँ से चीज़ें थोड़ी बहुत एडवांस हो रही थी, क्योंकि इस फ्लेमिंगो में थोड़े बहुत कॉम्प्लेक्स फॉल्ड थे, जो मुझे फोल्ड करने में बहुत डिफ़िकल्टी हो रही थी, लेकिन स्लोली स्लोली ट्यूटोरियल फॉलो करके कंप्लीट किया। अराउंड 40 मिनट्स के बाद फ्लेमिंगो को कंप्लीट किया, जो दिखने में भी बहुत अच्छा था। पहले मुझे लग रहा था कि ओरिगामी सिर्फ एक आर्ट है, लेकिन ये तो एडवांस टेक्नोलॉजी, स्पेस इंजीनियरिंग एंड अदर फील्ड्स में भी यूज़ हो रहा है। नासा ने तो कई स्पेस सैटेलाइट्स मॉडल्स बनाए थे और ओरिगामी में यूज़ किए थे, जिसमें मैंने स्टार सेट बनाया, जो एक फोल्डेबल पैटर्न था। वो इजीली फोल्ड होके छोटे से आइटम में फिट हो जाता था, जो स्पेस में जाके अनफोल्ड होता था और सन के आसपास सन को कवर करके सनलाइट को ब्लॉक करता था। इससे बाकी के ग्रह और ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने में इजी होता था। इसके बाद मैंने लिस्ट के 7th आइटम कैंगारू को बनाना चालू कर दिया। ओरिगामी प्रोसेस को मैं एंजॉय कर रहा था और ओरिगामी बनाने में मुझे मज़ा आ रहा था, तो मैंने कैंगारू कंप्लीट किया और इसके बाद कैमेलियन बनाने के लिए स्टार्ट कर दिया। कैमेलियन कैंगारू से 2 टाइम डिफ़िकल्ट था, क्योंकि इसमें स्मॉल्स एंड बहुत सारे कॉम्प्लेक्स फोल्ड थे। इस वजह से मैं स्लोली स्लोली फोल्ड कर रहा था और थोड़े टाइम के बाद मैंने कैमेलियन कंप्लीट कर दिया, जो लिस्ट का 8th आइटम था। तो इस तरीके से मैंने
आज के दिन के लिए 4 आइटम कंप्लीट कर दिए, तो टोटल मेरे पास 8 आए टारगेट कंप्लीट हो गए थे। तो इस दिन के लिए मैंने ब्रेक रखा। अगले दिन मैंने नेक्स्ट 2 आइटम के लिए ओरिगामी प्रोसेस स्टार्ट कर दिया। होर्स को बनाने के लिए मैं बहुत ही केयरफुल था, क्योंकि इतने सारे कॉम्प्लेक्स फोल थे जिसकी वजह से मैं पेपर को फाड़ ना लूँ, तो इसकी वजह से इसके लिए मैं बहुत केयरफुल रहा। एंड ओरिगामी इज़ ऑल अबाउट पेशेंस, बहुत ही केयर के साथ पेपर को हैंडल करना पड़ता है एंड सॉली सॉली कंप्लीट करना पड़ता है। इसी रहते मैंने हॉर्स को 1 आवर के अंडर कंप्लीट कर पाया। इसके बाद मैंने लिस्ट का फाइनल 10th आइटम ड्रैगन बनाना स्टार्ट कर दिया। स्टार्टिंग में तो मुझे ये प्रोसेस बहुत ईजी लग रहा था, क्योंकि इतने सारे ओरिगामी आइटम बनाने के बाद मैं फॉल्स से यूज तो हो गया, लेकिन यहाँ पर तो छोटे छोटे फॉल्स इतने आ रहे थे कि मुझे कहीं जगह पर तो नीडल का भी यूज़ करना पड़ा। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे मैं स्लो होता जा रहा था। कोई कोई ऐसे फॉल्स थे जिसको मैं समझ ही नहीं पा रहा था, उसके लिए मुझे बार बार ट्यूटोरियल का देखना पड़ रहा था। पेपर मेरे से फट ना जाए इसके लिए मैं बहुत केयरफुल था, क्योंकि बार बार पेपर फोल्ड हो रहा था तो इसके लिए बहुत ध्यान रखना पड़ रहा था। तो इसलिए तो मैंने अच्छी क्वालिटी का पेपर यूज़ किया था। ओरिगामी एक फ़ोन है, अगर आपने एक बार भी ट्राई नहीं किया है तो मैं रिकमेंडेड करता हूँ कि आप एटलीस्ट ट्राई करें। धीरे धीरे मैं टारगेट को कंप्लीट कर रहा था, बट ऐसे कहीं कहीं ऐसी जगह आई जहाँ पर तो मैं रुक गया। कोई कोई ऐसे फॉल्ट्स भी थे जो मेरे को ज़रा सा भी समझ में नहीं आ रहा था, तो इसके लिए मुझे एटलीस्ट 20 टाइम ट्यूटोरियल देखना पड़ रहा था। मैं मेरे रिजल्ट से काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। ड्रैगन के विंग्स बनाने में मुझे बहुत सारा टाइम लग गया, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत कॉम्प्लेक्स फॉल था। तो फाइनली मैंने अराउंड 2.5 आवर के बाद मैं मेरा टारगेट कंप्लीट कर दिया, एंड मैं बहुत खुश था कि मैं ऐसा ब्यूटीफुल ड्रैगन बना पाया। फाइनली 3 दिन की मेहनत और प्रैक्टिस के बाद मैंने मेरी लिस्ट के 10 ओरिगामी आइटम्स को कंप्लीट कर दिया, जिसको मुझे बनाने में बहुत मज़ा आया। आई होप कि मैं आपको ओरिगामी बारे में ठीक से बता पाया, और इस चैनल पे ऐसे ही कंटेंट्स बनाते रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।